देश में लोकतांत्रिक महापर्व जारी है और 2024 लोकसभा चुनाव पर सबकी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर है और इस बार कहीं ना कहीं युवा मतदाताओं की भी जो भूमिका है वो बेहद अहम होगी। फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ जुड़े हैं काशी में, हम उनसे बात करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर आए थे, सीधे तौर पर देखा उनको, सुना, कैसा लगा, अनुभव कैसा है? बहुत ज्यादा, और सबसे ज्यादा कि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने उन्हें देखा और देखते ही बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील हुआ और कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि वो फिर से आए। ठीक है, बिल्कुल फिर से आए, बिकॉज उन्होंने जितना भी अब तक रहा है और बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है और बहुत कुछ हम लोग को प्रोवाइड किया है, गर्ल सेफ्टी प्रोवाइड की है, अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी दी है उन्होंने, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो फिर से आए। चलिए, बात कही जाती है कि कहीं ना कहीं वुमेन सेफ्टी, इसके अलावा रोजगार, तमाम ऐसे विषय आप लोगों के लिए खासा महत्वपूर्ण है, क्या लगता है इस पर ध्यान दिया गया है? हाँ, क्योंकि हर लड़की हमेशा किसी और पे डिपेंड रहती है, अब वो सेल्फ डिपेंडेंट बन गई है, हर जगह काम कर सकती है, देर रात तक कहीं जा सकती है, आ सकती है, ना उसे कोई कुछ बोल सकता है। और बहुत सारी इस पे लॉज बनाए गए, आर्टिकल्स बनाए गए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन वैकेंसीज, बहुत सारी चीज़ें आई हैं ताकि क्या कहते हैं, लड़कियाँ अपने घर में सुरक्षित फील नहीं करती थी, जो अब वो अपने घर में क्या, अब तो वो कहीं भी सुरक्षित फील कर रही हैं, कहीं जा सकती हैं, अपने आप को बहुत डेवलप कर रही हैं, ना कि इवन गर्ल्स बस खाली फॉरेन की चीज़ें यहाँ आ गई, फॉरेन जो फॉरेन में डेवलपमेंट थी, जो फॉरेन में रोड थे, ब्रिज थे, वैसी उतनी बिल्डिंग्स अब हमारे यहाँ बनारस में है, आप जाके देख लीजिए, एक क्रिकेट ग्राउंड बन रहा है के बारे में बता रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कहीं ना कहीं ये भी आरोप है कि नहीं, रोजगार जैसे विषय हो, महंगाई नियंत्रण जैसे विषय, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। जिसके पास स्किल्स थी, टैलेंट था, जिसके पास इंटरव्यू देने की क्षमता थी, इंकरेजमेंट थी, एम्पावरमेंट थी, वो उसने दिया और उसने क्वालिफाई किया और वो आगे गया, उन्हें जॉब मिली। ऐसा तो है नहीं कि सीट्स थी बट वो फुल नहीं हुई, सीट्स थी वो फुल हुई, उनके बारे में इंटरव्यू हुआ, आप दीजिए और क्वालिफाई करिए, आपको क्यों नहीं जॉब मिलेगी। मुलाकात इससे पहले हुई है कि नहीं प्रधानमंत्री से? आप पहली बार देखा? नहीं, पहली बार देखे सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। लगा कैसा? बहुत अच्छा। बात बताइए, सामाजिक नजरिया क्या बदला है? पहले कहा जाता था कहीं ना कहीं आप लोग बाहर निकलती थी तो सेफ नहीं होता था, कई बातें कही, बहुत ज्यादा सेफ फील करते हैं, बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की सोच बदल गई है, पहले लोगों की सोच इतनी नहीं बदली थी, अब लोगों की सोच बदल गई है। जैसे पहले की होते था ना कि पहले की लड़कियां जब बाहर नहीं निकलती थी तो घर वाले भी नहीं निकलने देते थे, अब है कि लड़कियां एक एक करके बाहर निकलने लग रही तो घर वाले भी निकलने दे रहे हैं, ये चीज हो गया। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि सामाजिक नजरिया जो है वो क्या उसमें कितना बदलाव हुआ? सामाजिक नजरिया में ये बदलाव हुआ है कि पहले क्या होता था कि लड़कियां बाहर जाके काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनको चाहे मतलब ये आपका आर्मी हुआ या मतलब कोई भी फील्ड हुआ, उनको जाना अलाउ नहीं था, घर वाले जाने नहीं देते थे। लेकिन अब क्या है, सेफ्टी के अकॉर्डिंग अब उनको बाहर जाके काम करने दिया जाए, देर रात तक वो काम कर आ सकती हैं, मतलब कहीं पे कोई ऐसा कुछ नहीं, उनके लिए नियम कानून बनाया गया, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही तो 1090 एक लाइन बनाया गया जिससे मतलब महिलाएं सुरक्षित हैं। बिल्कुल, देखिए इतनी गर्मी में भी आप प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आई हैं, क्या लगता है घर की भी जिम्मेदारी होगी, घर पर भी जाकर खाना वाना बनाना होगा? बहुत अच्छा लगा। वो तो बाद में हो जाएगा सर, पहले तो हमें अपने नरेंद्र मोदी जी को देखना है जिन्होंने इतने सारे कार्य किए हैं। अच्छा। सड़कों को बनवाया, मंदिरों पे ध्यान दिया, सनातन जागा, सब लोग जागरूक हो रहे हैं, मुस्लिम लड़कियां तक भी, हिंदू तो हम लोग तो हैं, हम लोग को तो मिल रहा स्वतंत्रता, लेकिन जो मुस्लिम लड़कियां हैं उन लोग को भी अब लग रहा है कि हाँ नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को लगता है बढ़ावा मिला है। हाँ जी सर, जरूर मिला है, हम लोग भी अपनी गृहस्थी को छोड़ के अपने आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कि हम लोग को कहीं ना कहीं कुछ मिल रहा है। 5-5, 6-6 घंटे आप लोग अभी बैठी थी, तकरीबन 12 बजे से आप लोग बैठी थी। जी हाँ, हम लोग वहीं पर बैठे थे, लेकिन इतना आराम और इतनी व्यवस्था अच्छी थी, मोदी जी ने एक एक नारी का सम्मान किया, मोदी जी ने चारों तरफ हम लोग को राउंड लगा के, योगी जी मोदी जी ने सबका सम्मान करके आज हम लोग इतने खुश है, इतने दूर से इतना हम लोग का वसूल हो गया, चाहे कितनी भी गर्मी में हम लोग घूमे लेकिन आज वसूल हो गया, और आज नारी शक्ति का जो सम्मान किया है मोदी जी को कभी नहीं भूलेंगे, और हम लोग सब मोदी जी के साथ है और साथ रहेंगे। शुक्रिया, ये हमारे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे भाई हैं। बातचीत के लिए तो चलिए और युवा मतदाता जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। आप लोग भी सुनने के लिए आई थी, क्या कहेंगी, कैसा लगा, अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा, हम चाहेंगे इस बार भी अच्छे से इलेक्शन हो, सब चीज हो, और जो हमारा कंट्री है वो, जो अभी डेवलपिंग कंट्री है वो आपका डेवलप्ड कंट्री बने। क्षेत्र में हैं आप, पढ़ाई करती हैं या जॉब करती हैं? जी मैं फिलहाल जॉब करती हूँ। अच्छा।
बेरोजगारी को लेकर जो बात कही गई उसमें कितनी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा बन सकता है? जी ठीक है, ये सब नौकरी तो मिलता ही रहेगा, वो जब भी इसकी जरूरत होगी तो वो तो मिलेगा ही। दस साल सरकार के कामकाज को कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा रहा भैया। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि इंडिया के सोच को चेंज कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बेरोजगारी की बात की, तो मोदी जी लोगों में ये थॉट ला रहे हैं कि किस तरह से आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, आप खुद का बिजनेस कर सकते हो, मतलब कभी भी आप ऐसे डिपेंडेंट नहीं हो कि आप अगर जॉब नहीं लगी तो आप खाली बैठे हो। बहुत ऑप्शन है, लोन के ऑप्शन है। बात करिए, चलिए वो बात करने से बस्ती नजर आ रही है, लेकिन हमारी लगातार युवाओं से, हर वर्ग के लोगों से संवाद जारी रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।